अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ शाही टुकड़ा, ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट है और खाने में इतनी ज़्यादा टेस्टी है कि आप लोग जब इसको ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह आपको मज़ा आ जाएगा। बहुत ज़्यादा क्रीमी, रिच और टेस्टी, तो आप लोग इसको ज़रूर बनाइए और मुझे बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो सबसे पहले हम इसकी चाशनी की तैयारी करते हैं। यहाँ पर मैंने आधा लीटर पानी ले लिया है। एक पैन के अंदर हम पानी को डालेंगे और इसको थोड़ा सा गर्म करेंगे और मैंने यहाँ पर इसके अंदर जो शुगर यूज़ करनी है वो मैंने आधा किलो ली है। आधा लीटर पानी है और आधा किलो जो इसमें मैं शक्कर डालूँगी और इसको थोड़ा सा शक्कर को घुलने दूँगी और फिर हम इसकी चाशनी तैयार करेंगे। जब तक चाशनी बन रही है हम ब्रेड के स्लाइस को कट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने 12 ब्रेड के स्लाइस लिए हैं। ब्रेड को हम चारों तरफ से इसके कोने कट कर लेंगे। पानी में बॉईल आ गया है तो मैंने यहाँ पर गरम पानी में कुछ सेफ्रॉन के धागे भिगो के रखे थे, ये मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसके अंदर जर्दे का कलर भी डाल सकते हैं। अब इसको डालकर मुझे थोड़ा देर और पकाना है ताकि सेफ्रॉन की बहुत अच्छी सी खुशबू इसके अंदर आ जाए और मैं इसके अंदर 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर भी ऐड करूँगी ताकि इससे भी बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा। और मैं इसको 4 से 5 मिनट तक और पकाऊँगी ताकि चाशनी अच्छे तरीके से पक जाए और मैं अपनी गैस की फ्लेम को ऑफ कर दूँगी। सारे ब्रेड के किनारे भी हमने कट कर लिए हैं। अब मैं इसको देसी घी में गोल्डन ब्राउन कर लूँगी। आपकी मर्ज़ी, आपको इसे जिस भी चीज़ में फ्राई करना है आप कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर देसी घी लिया है, इसको मैं थोड़ा गर्म होने दूँगी और इस ब्रेड को मैं गोल्डन ब्राउन कर लूँगी और एक एक कर कर मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से फ्राई कर लूँगी। सारे ब्रेड हमारे गोल्डन ब्राउन हो गए हैं तो हम इसी तरीके से इसको निकाल लेंगे एक टिश्यू पेपर पर और ये चाशनी और ब्रेड हमारे दोनों भी तैयार हो गए हैं। तो अब हम सारे ब्रेड एक एक कर कर इस चाशनी में डुबोएंगे और अच्छे तरीके से इसे अलट पलट कर कर थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेंगे। चाशनी भी इस वक्त हमारी थोड़ी सी गर्म है तो इस तरीके से हम एक एक कर कर एक खुली सी परात में इसको लगा देंगे। इसको सेट करना है, हमें ऊपर नीचे नहीं करना है। एक एक स्लाइस इसको एक दूसरे पर बहुत अच्छे तरीके से बिछा देना है। तो इस तरीके से हमने सारे ब्रेड के स्लाइस को बिछा दिया है और ऊपर से थोड़ी हमें इसके ऊपर चाशनी डालनी है ताकि ब्रेड जो है वो थोड़ा सा सॉफ्ट रहे अंदर से। अब हम इसकी मेन रेसिपी की तरफ चलते हैं, इसकी क्रीम की तरफ। तो यहाँ पर हमने आधा लीटर दूध लिया है, 5 टेबलस्पून हमने कॉर्नस्टार्च दिया है और 250 ग्राम्स हमने यहाँ पर सिंपल सा मावा लिया है और 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर लेंगे। 5 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर कंडेंस मिल्क लिया है, 2 टेबलस्पून क्रीम लिया है। सबसे पहले हम कॉर्नस्टार्च में थोड़ा सा पानी डालकर इसका एक लिक्विड सा पेस्ट बना लेंगे। और इसके अंदर 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर भी डाल देंगे। दूध हमने स्लो फ्लेम पर 4 से 5 मिनट हो गए हैं हमें इसे पकाते हुए, अच्छे तरीके से हमें इसे पकाना है। और जो हमने ये 2 टेबलस्पून क्रीम रखी थी ये भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। कंडेंस मिल्क भी इसके अंदर डाल देंगे हम।
और इन सब चीज़ों को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर थोड़ा देर पका लेंगे और फिर इसके साथ ही हम इसके अंदर मावा भी डाल देंगे। जितना हमने मावा लिया था वो सब हम आहिस्ता आहिस्ता कर इसके अंदर डाल देंगे और मावे को बहुत अच्छे तरीके से इसके अंदर मिक्स कर देंगे ताकि इसके अंदर मावा जो है वो नीचे से जले नहीं। तो हमें बहुत अच्छे तरीके से इसे मावे को दूध में डाल कर मिक्स करना है ताकि एक भी लम्स ना पड़ जाए। अब ये बहुत अच्छे तरीके से पक रहा है, एक भी लम्स नहीं पड़े हैं इसके अंदर मावे के। तो अब हम इसके अंदर जो है वो कॉर्नस्टार्च बहुत स्लो हम इसके अंदर ऐड करेंगे ताकि कॉर्नस्टार्च की भी जो है वो लम्स नहीं पड़े। तो ये हमने स्लो कर इसके अंदर ऐड किया है और बहुत अच्छे तरीके से इसे मिक्स करते रहना है। हमें बिल्कुल भी अपना हाथ जो है रोकना नहीं है इस वक्त। बहुत अच्छे तरीके से स्लो फ्लेम पर इसे 4 से 5 मिनट तक पकाना है ताकि जो कॉर्नस्टार्च की जो कच्ची स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। तो 4 से 5 मिनट हो चुके हैं हमें पकाते हुए। अब हम अपनी गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इस गरम गरम क्रीम को हम ब्रेड के ऊपर डालेंगे। इसे ठंडा नहीं करना है, ये बहुत जल्दी सेट हो जाती है क्रीम, तो हमें इसे गरम गरम ही डालना है इसके ऊपर। इस तरीके से फैलाते हुए मैं इसके चारों तरफ क्रीम को फैला दूँगी ताकि सारे ब्रेड पर ये बहुत अच्छे तरीके से फैल जाए। इस तरीके से हमने चारों तरफ क्रीम को फैला दिया है। अब मैं थोड़े से ड्राई फ्रूट से इसे गार्निश करूंगी। थोड़ी सी मेरे पास टूटी फूटी है और थोड़ी सी चेरी। आप जिस भी चीज़ के साथ इसको डेकोरेट करेंगे इंशाल्लाह ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है। दिखने में जितना खूबसूरत है खाने में भी उतना ज़्यादा टेस्टी है। तो आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। दुआओं में मुझे याद रखिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।